इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात होगी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर कब्जे के 20 दिन के बाद आज तालिबान अपनी सरकार बनाने जा रहा है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने पंजशीर को भी जीतने का दावा किया है और उसी जीत के जश्न में तालिबान ने काबुल में आधी रात जमकर फायरिंग की। तालिबान आतंकियों की हवाई फायरिंग में बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हैं। आधी रात फायरिंग के बाद काबुल के कई अस्पतालों में घायलों की भीड़ देखी गई। कई लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फायरिंग की गई है और ये कल रात की तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से आधी रात को तालिबान ने फायरिंग की, ये फायरिंग आउट ऑफ कंट्रोल फायरिंग। इस फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये जीत का जश्न है। इधर तालिबान का कहना यह है कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे पागलपन के हद तक तालिबान आके पहुंच जाता है। तालिबान की हवाई फायरिंग में बच्चे तक निशाना बन गए, 3 लोग मारे गए, घायल हो गए कई लोग, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान ये दावा कर रहा है कि पंजशीर में उसकी जीत हो गई है, जश्न भी वो मना रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ पंजशीर के लड़ाकों की बात की जाए, अहमद मसूद ये कह चुका है ये झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। तालिबान के हमदर्दों का दावा है कि नया तालिबान पुराने तालिबान से अलग है, लेकिन काबुल में दाखिल होने के बाद बार बार तालिबान का वही पुराना चेहरा दिखता है। तालिबान का क्रूर और वहशी रूप दिखता है। तालिबान के आतंकियों ने काबुल में आधी रात सरेआम फायरिंग कर दी। तालिबान की फायरिंग में बच्चों समेत 3 लोगों की जान चली गई। कल पूरे अफगानिस्तान में ये खबर आग की तरह फैल गई कि तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है, यानी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हो गया है। इसी के जश्न में तालिबान ने जमकर फायरिंग की। हमारे डिफेंस एडिटर, हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, काबुल में आधी रात को यह फायरिंग की गई है और दावा तालिबान ये कह रहा है कि पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है पंजशीर को मिलाकर भी। लेकिन वही अमरुल्ला सालेह की बात करें तो वो एक ट्वीट करते हैं और इस दावे को गलत बताते हैं। आपके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन और क्या है? मीनाक्षी, इस समय अफगानिस्तान में पंजशीर के एरिया में एक बार फिर से जो रिस्ट्रेंट फोर्स है उनके बीच और तालिबान के बीच मुकाबला है। दरअसल इसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तालिबान को, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना है कि पूरे अफगानिस्तान में उनका दबदबा, उनका कब्जा है, और इसीलिए वो पंजशीर की जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग की और लगातार पूरे अफगानिस्तान की तस्वीरें ली। लेकिन इस समय अमरुल्ला सलेह और अहमद मसूद और उनके साथ करीबन 30,000 के लगभग जो रिस्ट्रेंट फोर्स हैं वो पूरी तरीके से पंजशीर में इंटैक्ट हैं। 9:15 पे खुद अमरुल्ला सलेह ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि वो कहीं से भागे नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है और वो तालिबान के लड़ाकों को पूरी तरीके से बैकफुट पर रखकर उनको जो पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। इसीलिए इसको आप देखिए कि स्ट्रेटेजिकली टाइम को ध्यान में रखते हुए जबीउल्लाह मुजाहिद, जो कि स्पोक्सपर्सन है तालिबान के, उन्होंने कहा कोई भी हवाई फायरिंग ना करे, कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हवाई फायरिंग में बहुत नुकसान हो रहा है। तो अपनी इमेज बिल्डिंग और साथ में परसेप्शन मैनेज करने के लिए तालिबान इस समय ही काम कर रहा है। अब क्योंकि सरकार फॉर्म करनी है, सरकार फॉर्म करने में अबीदुल्ला अखुंजादा जो कि वहां सुप्रीम कमांडर है उनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और अशरफ गनी बरादर के साथ साथ जो शेर मोहम्मद अब्बास स्टैटिक जई हैं वो, उसके अलावा गुलबुद्दीन हिम्मतकार, ये सभी लोग हैं जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हम इस और पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका शुक्रिया। बात अफगानिस्तान में आतंकी सरकार की हो रही है और तालिबान सरकार के गठन का ऐलान आज किसी भी वक्त हो सकता है। दरअसल तालिबान के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से शुक्रवार को सरकार के टॉप मोस्ट लीडर्स और प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। अब खबर यह है कि हैबतुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनेगा, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री होगा। तालिबान की सरकार में मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी एक बड़ा रोल दिया जाएगा, तो वहीं हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को भी मंत्री बनाया जाएगा। अफगानिस्तान के तमाम शहरों में सरकार के गठन के पोस्टर्स और बैनर भी लगने लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक तालिबान की सरकार ईरान मॉडल की हो सकती है। ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर होगा और ये करीब करीब कंफर्म है कि तालिबान में नंबर वन की हैसियत रखने वाला मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा ही सर्वोच्च नेता बनेगा। ये पद देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है। इसके बाद तालिबान की पॉलिटिकल विंग का चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पास विदेश मंत्रालय की भी जिम्मेदारी रहेगी। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में अहम पद उन्हें मिलने की चर्चा है और दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जिस ईरान मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो ईरान मॉडल क्या है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल ईरान मॉडल में एक सर्वोच्च नेता होता है जो धार्मिक प्रमुख होता है और वो न्यायपालिका, सेना, सरकार सबके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। नए निजाम में मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होगा जिसे जाइम या रहबर कहा जाएगा। ईरान की ही तरह अफगानिस्तान में भी सुप्रीम लीडर की मदद के लिए एक शूरा या काउंसिल होगी जो अहम मसलों पर उसे सलाह देगी। आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर का ही होगा। इसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में असली सरकार तैयार की जाएगी। अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का ओहदा मिल सकता है। अखुंदजादा के दो और डेप्यूटी मौलवी याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी भी अहम भूमिका में रहेंगे। इसके बाद मंत्रियों, गवर्नर्स, मेयर की कतार होगी। तालिबान राज में अफगानिस्तान के सभी कबीलों और समुदायों की भी नुमाइंदगी के लिए एक नेशनल जिरगा या संसद हम कहें तो ये तैयार की जा सकती है। इस पर हम हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी से और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, ये जो ढांचे की हम जानकारी दे रहे हैं, हम क्या कहें, आतंकियों की सरकार की जो जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, इसका ये ढांचा क्या होगा? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने बताया कि ईरान का जो मॉडल है उसको फॉलो करते हुए वहां पर गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे तालिबान के जो लीडर्स हैं वहां पर। एक तरीके से जिस तरीके से आपने बताया, सुप्रीम लीडर होगा जो सेना का भी अध्यक्ष होगा और जो सुप्रीम कमांडर भी एक तरीके से आप कहें तो वो होगा। ईरान का मॉडल भी यही है, वहां पर भी एक सुप्रीम लीडर है। हालांकि रिलीजियस कॉनोटेशन होते हैं उस पोस्ट के को जो होल्ड करता है, हमारी तरह जैसे हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन वहां पर जो ईरान मॉडल पर जो सरकार बनाने की बात तालिबान द्वारा की जा रही है उसमें सुप्रीम जो लीडर हैं वो होंगे। उसके अलावा जो एक प्रधानमंत्री होंगे, जिस तरीके से आपने एक तरीके से कैबिनेट की रूपरेखा उनकी रखी, हालांकि अनाउंसमेंट पहले शुक्रवार को किया जाना था लेकिन काफी सारे मसलों पर तालिबान कि जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, इनके बीच में ही काफी मतभेद था कुछ चीजों को लेकर, इसको लेकर इसकी वजह से शुक्रवार को जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब आज इस तरह की जैबुल्ला जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से ट्विटर के जरिए जानकारी दी गई है कि शनिवार को जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि शनिवार को जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन वहां पर तालिबान में होगा। किस तरह की सरकार होगी, कौन कौन होगी, हालांकि एक जिस तरीके के हमने इंतजार करना होगा। अब आज कभी भी किसी भी वक्त सरकार का ऐलान किया जा सकता है। विजयलक्ष्मी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पाकिस्तान के एजेंडे पर तालिबान चल पड़ा है, दिखाएंगे पूरी खबर आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।